भाई वो ख्याल चल कैसे हो सर। तो भाई फाइनली फाइनली बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। और भाई इतने दिन मैं कहाँ था, क्या कर रहा था भाई मुझे नहीं पता। मतलब भाई इधर जो है दुर्गा पूजा चालू हुआ था, इस वजह से मैं जो है थोड़ा बिजी हो गया था और भाई इतने दिनों तक वीडियो नहीं डाला, उसके लिए भाई माफ़ कर देना। लेकिन भाई फाइनली वापस आ चुका हूँ, अब डेली वीडियो आएगा और जैसे आता था वैसे ही आएगा। लेकिन भाई इधर कुछ ट्विस्ट है, देखो भाई क्या सीन चल रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा खुल के। लेकिन भाई आप लोग एक चीज़ करना कि भाई देखो मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं आप लोगों से खुद ही पूछूंगा कि मुझे वो चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो आपका सीन है कि भाई आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि बीजेएमआई के अंदर भाई अभी फिलहाल इस टाइम पे ना 90% हैकर हो चुका है, 10% लेजिट बंदे। और भाई वो 10% बंदे ना खुद ब खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर बीजेएमआई इंस्टॉल कर देगा। इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना बीजेएमआई को छोड़ के पबजी ग्लोबल और नहीं तो भाई पबजी केआर खेला जाए। आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि पबजी ग्लोबल या पबजी केआर खेला जाए, भाई कॉमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि आप लोग जो बोलोगे वही मैं खेलने वालों। केआर और भाई ग्लोबल में कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन भाई अगर आप लोग जो बोलोगे वही खेलूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अभी ज़्यादातर बंदे केआर में शिफ्ट हो रहा है। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना कि भाई पबजी ग्लोबल या पबजी केआर कौन सा खेला जाए, क्योंकि देखो आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं खेलने वाला हूँ, नहीं तो बीजेएमआई के अंदर कसम से भाई कुछ नहीं हो रहा, ना गेम प्ले निकल रहा है ना ही कुछ निकल रहा है। मतलब हर रोज़ भाई हैकर को दिखा के ना फ़ायदा हो रहा है, ना ही अपना स्किल दिखा पा रहा हूँ, ना ही भाई चैनल ग्रो हो रहा है। आप लोग भी समझ सकते हो कि क्या ही मुसीबत है, मतलब भाई ना कॉन्टेंट निकल रहा है ना कुछ निकल रहा है। फिलहाल भाई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना, और उसी के साथ एक चीज़ ज़रूर कर देना कि भाई देखो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो भाई 1K सब्सक्राइब की बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ भाई तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो और भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके 1K टच करवा दो। फिलहाल भाई इधर आज वाले गेम प्ले देखना, मैं बहुत दिन पहले खेल के रखा था ये गेम प्ले, मतलब मैं जो है 3-4 दिन पहले खेला था ये गेम प्ले। और भाई उस टाइम पे मतलब इस लॉबी में 3-4 से मतलब भाई हैकर के क्या ही बोलूँ, मतलब भाई हर लॉबी में 10-12 हैकर आता है। और इस गेम में भी मैं लिटरली भाई लिख के बता रहा हूँ भाई बहुत सारे हैकर को मैं मार देता हूँ। देखो इधर जैसे ही आता हूँ मेरे ऊपर नेट वेट करना स्टार्ट कर देते सामने वाले घर से, और मुझे पता नहीं था कि भाई सामने वाले घर में बंदे। फिलहाल मैं इधर आके होल्ड करता हूँ और होल्ड करते करते भाई इधर से भाई जोन कट जाता है और मैं जो इधर से निकल जाता हूँ कुछ देर बाद। लेकिन भाई इधर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, देखो भाई अभी जो है गेम का मार्केट बहुत ही ज़्यादा भारी होने वाला है, क्योंकि देखो आप लोगों को भी पता है कि भाई पबजी न्यू स्टेट आ रहा है, भाई एपेक्स लेजेंड भी आ रहा है, तो भाई वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन भाई अपना जो बीजेएमआई है वो तो भाई इसका 0% इज्जत है, मैं बताऊँ तो सही में इसका कोई इज्जत नहीं है भाई, एकदम 0% इज्जत है। इस गेम को कोई नहीं खेलना चाहता, मतलब इतने ज़्यादा हैकर करके रखा है कि भाई इस गेम को क्या ही खेले। अब देखो हैकर के बीच ग्लिच भी आता है, और भाई कोई कोई भाई अगर ग्लिच भी इस्तेमाल कर लेना तो भाई उसको मिल जाता है परमानेंट बैन और हैकर को नहीं मिलता परमानेंट बैन। मतलब भाई अजीब ही मजाक चल रहा है इस गेम के अंदर, मतलब भाई क्या ही बोलूँ। फिलहाल भाई आप लोग देखो मैं जो इधर होल्ड करता रहता हूँ उतने में ही भाई गाड़ी वाड़ी आता है, मैं जो जोन कटने के इंतजार कर रहा था, जैसे जोन कटते हैं मैं जो इधर से गाड़ी लेके सीधा इधर आ जाता हूँ। और इधर जैसे ही आता हूँ ना मेरे पास भाई बैक टू बैक 2 बंदे का भाई पूछ आता है। अभी जैसे मैं इधर से गाड़ी उतर के सामने की तरफ जाता हूँ वैसे ही एक बंदा जाते हुए दिखता है मुझे। फिलहाल भाई इस बंदे को बस फेरे लेते हैं, ये बंदा एक हेड खाता है, सामने बंदा वापस स्पॉट होता है, इसको बस फेरे लेता हूँ मैं। तो भाई ये बंदा इधर बच के निकल जाता है और मैं जो इधर ही होल्ड करना चालू कर देता हूँ। लेकिन इधर जो है बैक टू बैक मेरे ऊपर 2 बंदे का पुश आ जाता है, और देखो ये 2 बंदे आके एकदम से डायरेक्ट मेरे ऊपर ही ठोकता है भाई, किधर भी नहीं जाना, इनको पता है मैं फुटस्टेप भी दे रहा था, लेकिन फिर भी ये बंदा आता है मुझे ही मारने के लिए और मेरे इधर ही रुक जाता है। लेकिन भाई दोनों को ही मैं निपटा देता हूँ। फिलहाल इधर फर्स्ट बंदा आता है, अब देखो इसको कैसे मारता हूँ मैं। अब देखो इस बंदे को भाई गाड़ी से निकलने का भी मौका नहीं देता हूँ, उतने में भी भाई इस बंदे को मैं निपटा देता हूँ। और इस बंदे को निपटाते ही मैं जो है अंदर आके भाई होल्ड करना चालू कर देता हूँ वापस से, क्योंकि मेरे पास जो है जोन है अच्छा खासा, और गेम में जो है बहुत ही तगड़ा लॉबी में हैकर आया था, क्योंकि भाई 8 बंदे लाइव और जोन जो है बहुत ही बड़ा है। फिलहाल वापस से एक और गाड़ी आएगा कुछ देर में और भाई उस बंदे को भी मैं मार दूंगा। लेकिन भाई इधर एक ही दिक्कत है कि भाई देखो ये दोनों बंदा एकदम मेरे ऊपर क्यों आ जाता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप लोगों को शायद पता है क्योंकि ये बीजेएमआई खेल रहा हूँ मैं, और बीजेएमआई के अंदर ऐसा
ऐसा ही होता है क्योंकि भाई इस गेम को भाई कोई संभालने वाला है ही नहीं। अब देखो क्या बोलूँ, मतलब भाई कुछ नहीं बोलना, फालतू का रोस्टिंग वोस्टिंग चैनल बन जाएगा। तो देखो गाड़ी इधर आ जाता है, बंदा सीधा मेरे ऊपर पुश करता है। तो भाई इधर बंदा जैसे ही आता है इसको हेड ही हेड देता हूँ और बंदा इधर खत्म हो जाता है बहुत ही आराम से। अब इस बंदे को मार के मैं जो इधर से अपना गाड़ी उठाता हूँ हिल करने के बाद, और गाड़ी उठा के सीधा जोन के मिडिल में पहुंच जाता हूँ। और भाई उधर एक बंदा रहता है, मतलब इतना टॉक्सिक बंदा रहता है, वो बंदा अकेले पूरे सर्वर के आधा बंदे खा जाते हैं। देखो अभी मैं इधर से निकलता हूँ, 5 बंदे लाए भाई। अब वो बंदा भाई इतने ज़्यादा किल करके उस कोने में जाके बैठा है। देखो भाई मैं इधर आता हूँ और इधर आने के बाद सीधा मैं घर के अंदर घुसता हूँ। अब देखो जोन के मिडिल में आता हूँ और अभी भी भाई एंड की तरफ सर्कल है और भाई तब भी भाई जोन पानी के ऊपर है। अब मैं इधर आके होल्ड करता हूँ और तभी इस बंदे का भाई किल फीड में नाम आता है और भाई गन साउंड साइड से आता है। और मैं इधर समझ चुका हूँ कि इधर पिक भी लूँगा तो भाई इधर मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो भाई देखो इस बंदे के साथ काफ़ी अच्छा फाइट लेता हूँ, एंड की तरफ देखना कि मैं जीतता हूँ कि नहीं जीतता हूँ। तो भाई इधर जोन शिफ्ट हो जाता है, बंदा जो है एक बंदे को मारता है। अब देखो भाई मैं इधर होल्ड करके बंदे का पोजीशन देख रहा था और मैं इधर होल्ड करके बस एक चांस ढूंढ रहा था कि बंदा कभी भी ओपन में आए और मैं जो इसको ऊपर भर दूं अपना M4 या बैरल किसी से भी। लेकिन ये बंदा भाई ओपन में आ ही नहीं रहा था। लेकिन भाई जैसे मैं इधर जाता हूँ बंदा किसी को मारता है और उसमें भाई बंदा जो है थोड़ा ओपन में आ जाता है। लेकिन भाई मैं जैसे इसके ऊपर स्प्रे लेता हूँ बंदा भाई बच जाता है। तो भाई देखो क्या सीन होता है इधर, मैं इधर आके वापस से देखना चालू करता हूँ। बंदा इधर जो है किसी को मारता है, किसी के ऊपर फायर करता है और बंदा जो है ओपन में आ जाता है। उतने में मैं जो इसके ऊपर फायर लेता हूँ, भाई बंदा जो है थोड़ा और अगर रहता ना बाहर की तरफ तो बंदा इधर ख़त्म था और मेरे एकदम इजी तरीके से चिकन मिल जाता। अब देखो ये जो है ये और मैं ही सिर्फ और सिर्फ लाइव हूँ और मैं जो है इसके ऊपर भाई क्लोज इन कर देता हूँ क्योंकि ये जो इतना फट्टू हैकर था कि किसी के ऊपर आ नहीं रहा था। अब देखो धीरे धीरे मैं इसके ऊपर जा रहा था, लास्ट की तरफ आप देख के खुद ही चमक जाओगे कि भाई देखो इसको इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद भी कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल मैं जो इसके ऊपर भाई नेट करता हूँ। फिलहाल भाई इधर जो है मैं 2-3 नेट कर देता हूँ कंटिन्यू क्योंकि देखो बंदा जो है नेट में ही हैकर अगर सामने है तो भाई नेट से ही भाई काम तमाम करना पड़ेगा। गन से भाई कुछ नहीं होने वाला, मतलब बहुत ही कम चांस होता है कि गन से बंदे को मार दे वो हैकर को। लेकिन भाई इधर कोई काम नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं जो बूस्ट मार के थोड़ा रोटेशन लेके भाई वापस से उस साइड से जाता हूँ, मतलब थोड़ा लेफ्ट से जाता हूँ और देखते जाओ इधर क्या सीन होता है। तो भाई मैं जो इधर खबर ले लेके भाई थोड़ा आराम से इधर आता हूँ, मतलब जोन के बाहर भी था इस वजह से मैं जो जोन के एंट्री भी लेता हूँ और आराम आराम से मैं जो इधर से आने का भी ट्राई करता हूँ। तो उतने में भाई बंदा भी सामने की तरफ आता है और मैं जो इधर भाई इस बंदे को किस हद तक डैमेज देता हूँ देखो। और बंदा जो है भाई इधर भाई सीधा 2 गोली चलाता है, मेरा पूरा हेलमेट टूट जाता है। मतलब भाई क्या ही बोलूँ, मतलब भाई इस गेम का कुछ नहीं बचा भाई, इस गेम को मैं खेलने के लायक नहीं रखा, मतलब भाई क्या ही बोलूँ। फिलहाल भाई आज के लिए तो गेम प्ले इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया ना भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना क्योंकि भाई देखो बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता क्योंकि आप लोग भाई ऑल पे सेट नहीं करते। तो भाई ऑल पे जरूर सेट कर लेना और जल्दी से जल्दी 1K कर पा दो यार, जल्दी से जल्दी कर पा दो। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले लेकर वापस, बाय गाइस।